नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया हो तो जल्दी से भाई एक काम कर दो, ठीक है? इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें इस पर, ठीक है? आज हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, चैप्टर आज कंप्लीट करा दूंगा मैं। अब देखो, जैसे रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग होती है हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे जो रिसोर्सेज है, 1 मिनट, हमारे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्स प्लानिंग होती है, ध्यान रखना, रिसोर्स प्लानिंग, हमारे जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को बाहर निकालने के लिए जो प्लानिंग होती है, उनको बाहर निकालने के लिए। और देखो, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, जो रिसोर्स होते हैं, RESOURCES, रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को क्या करेंगे हम, रिसोर्सेज को एक तो हम निकालेंगे बाहर, ठीक है? रिसोर्सेज की क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, रिसोर्सेज की माइनिंग करेंगे, और माइनिंग करने के बाद उनकी हम मार्केटिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे और फिर मार्केटिंग करेंगे। माइनिंग से लेकर और मार्केट तक, माइनिंग से लेकर और मार्केट तक के बीच में जितनी भी एक्टिविटी है, उन्हीं सभी की प्लानिंग बनाने की, या इन सभी पर जो प्लानिंग बनती है उसको बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब सर कैसे, सपोज करो एक जगह आपको पता लगा कि जमीन के अंदर सोना है, ठीक है? और सोने का हमने गवर्नमेंट को पता चल गया, तो गवर्नमेंट ने वहां पर मशीन लगा दी, सोना निकालने लगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इतना सोना वहां पे नहीं निकला जितना निकालने में खर्च हो गया, ठीक है? ज्यादा पैसा खर्च हुआ, उतना सोना निकला ही नहीं, तो गवर्नमेंट को फायदा हुआ, लॉस हुआ ना, तब गवर्नमेंट अपना काम बंद कर देगी, ठीक है? तो इसे ही रिसोर्स प्लानिंग होती है। सबसे पहले जमीन के अंदर रिसोर्सेज का पता लगाया जाता है, सबसे पहले पता लगाओगे रिसोर्स का, फिर रिसोर्स का पता लगाने के बाद में रिसोर्स की जो क्वालिटी होती है, रिसोर्सेज की जो क्वालिटी होती है, रिसोर्स की जो क्वालिटी होती है और उसकी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी दोनों चीजों का पता लगाते हैं। जब दोनों चीजें अच्छी मात्रा में होती है तभी जाकर उसकी माइनिंग करते हैं, ठीक है? और जब माइनिंग करेंगे, माइनिंग करने से पहले एक प्लानिंग तैयार करेंगे, जिस प्लानिंग का नाम होगा रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है? मैं भाई आगे चले, रिसोर्स प्लानिंग समझ चुका। अब नेक्स्ट टर्म जो है आपका वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये भी इसमें ऐड कर देता हूं मैं। अगर ये तो मतलब एक छोटा सा एक नियम था कि किस तरह से हम क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे बता कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। अरे जैसे जैसे की जाती है ऐसे इंडिया में की जाती है। अब इंडिया में क्या होगा, इंडिया में पहले पता लगाया जाए कहाँ पर रिसोर्सेज है, सर्वे किए जाओगे, सर्वे के बाद में पता लगाओगे कि रिसोर्सेज की क्वालिटी कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। अगर ज्यादा मात्रा है, निकालने योग्य है, तभी तो माइनिंग करेगी, और माइनिंग करने टाइम जो प्लानिंग बनाकर तैयार करेगी उसकी, उसको बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। और यह प्लानिंग कहाँ पर सोची गई, या प्लानिंग इंडिया में सोची गई, तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है? तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, ठीक है? बस यह रिसोर्स प्लानिंग तो मेन रिसोर्स प्लानिंग है, कैसे तैयार की जाती है, और इन इंडिया का मतलब है भारत में कैसे तैयार की जाती है। तो जहां पर सारे को होगी तैयार, वहीं पे ऐसे इंडिया में होती है तैयार। अब उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है अपन लैंड रिसोर्स, ठीक है? अब लैंड रिसोर्स की बात आ गई, तो लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़े, बारे में पढ़ेंगे हम, लैंड को हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे मेन आता है अपना लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन, क्या बोलते हैं इसको, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन। अब भूमि संसाधन होता क्या है, देखो ये अर्थ है, समझना पहले एक बार अर्थ पे। एक बार मैंने आपको बताया था कि तो जो अर्थ है उसके 71% भाग पे क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, बचा कितना 29%। तो 29% पे क्या है, लैंड एरिया है, क्या है, लैंड एरिया, 29% पे लैंड एरिया है, जमीन है। अब इस 29% में ये सपोज करो ये आ गया 29%, अब 29% को भी डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे, 29% में जो 43% है, 29 का कितना 43% है प्लेन एरिया, PLAINS, प्लेन्स या फील्ड एरिया, इसको बोलते हैं मैदानी भाग, जो मैदान है मैदानी भाग। दूसरे नंबर अगर बात करें तो 30%, 30% है इस कितने का, 29% का 30%, ठीक है? क्या है ये है आपका माउंटेन एरिया, माउंटेन एरिया जिसको हम इंडिया बोलते हैं पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग। और जो ये बचा ये वाला, ठीक, ये कितना है 27%। तो ये होगा 29%, 29% का
27% क्या है ये, 29 का 27% है प्लेटियो एरिया, PLATEAU, प्लेटियो एरिया। प्लेटियो एरिया को बोलते हैं पठारी भाग, डक्कन ट्रैम्प, ठीक है, डक्कन ट्रैम्प, पठारी भाग, दंडकारण्य पठार, मेवाड़ पठार, ठीक है, ये बहुत सारे पठार, रांची का पठार, छोटा नागपुर, झारखंड का पठार, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार, बहुत सारे पठार हैं यहाँ। तो ये सारे के सारे, अब मैंने बताया टोटल 71% वाटर, 29% लैंड एरिया। अब इस 29% लैंड एरिया को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पे तीन तरह से कैटेगरी बना दी कि 29% टोटल जमीन तो है लेकिन उसके तीन अलग अलग पार्ट है, ठीक है, 43% फील्ड एरिया है, सबसे ज्यादा फील्ड एरिया है, और 30% माउंटेन यानी पर्वतीय भाग है, पर पहाड़ वाला एरिया है, और 27% जो है प्लेटियो एरिया है, पठारी भाग है, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, उसने कहा नंबर एक फॉरेस्ट। अब अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट भाई देखो जंगल तो है ही इंडिया में, तो जो फॉरेस्ट है वो माउंटेन एरिया पे भी है, प्लेटियो एरिया पे भी है, और जो है फील्ड एरिया में भी है। उन्होंने कहा फॉरेस्ट, लैंड को हम यूज करते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट, FORESTT, फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन कराएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई करने के बाद में हम उसको लैंड बनाकर तैयार करते हैं, ठीक है, सपोज करो जंगल है, जंगलों की कटाई करती, कटाई करने के बाद में हम उसको एग्रीकल्चर के लिए लैंड बनाकर तैयार करते हैं, खेत बनाकर तैयार करते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है, दूसरे नंबर पर आपका अनकल्टिवेटेड लैंड है, UNCULTAVATED, अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड होती है जो जो खेती जोतने के लिए उपयोग में ना की जो, अनकल्टिवेशन का खेती योग्य भूमि ना हो जो, ठीक है, इसका मतलब होता है एक प्रकार की बंजर जमीन कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, मतलब अनकल्टिवेटेड जो जुताई के लिए ना हो या जिसकी जुताई नहीं हो सकती, ऐसी जमीन जो बेकार पड़ी हो, कई सालों से बेकार पड़ी हो, उसको अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड होती है कृषि, अनकल्टिवेटेड का मतलब है जो कृषि करने के योग्य न हो, ठीक है, अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब जो कृषि करने के लिए न हो, जो खेती करने के लिए जमीन न हो, ठीक है, ऐसी। और उसके बाद में देखो कुछ जगह ऐसी भी है जो अनकल्टिवेटेड लैंड है जहां पर कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, वहां पे रीजन है या तो वहां पे सीमित संसाधन नहीं है, वहां पे वाटर रिसोर्स नहीं है, वहां पे क्लाइमेटिक इशू है, ठीक है, वहां बारिश नहीं होती, वहां पे सिंचाई इरिगेशन करने के लिए कोई ना नहर है ना तालाब है, ठीक है, ना समरसेबल वगैरह है, कुछ नहीं है, बस मानसून मानसून के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उसको बोलते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पर आता है आपका फैलो लैंड, FALLOW, फैलो लैंड। फैलो लैंड होती है बंजर भूमि, कैसी बंजर भूमि, बंजर भूमि कौन सी होती है, बंजर भूमि होती है जो एक साल से लेकर पांच साल के बीच में, 5 years, एक साल से लेकर पांच साल के बीच में जो खाली पड़ी हो, जिसपे एग्रीकल्चर ना की गई हो, या मतलब कोई ऐसा खेत जो पांच साल से खाली पड़ा हो, जिसमें कुछ भी ना उगाते हो ना बोते हो, उसको बोलते हैं कैसी फैलो लैंड। अब फोर्थ नंबर आता है आपका नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, इसे बोलते हैं नेट सोन का मतलब क्या होता है, इस नेट सोन एरिया जो होता है, नेट सोन ये होता है कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र कैसा होता है इसको समझिए एक बार, सपोज करो ये खेत है, ये एक खेत है जो है 10 बीघे का, कितने 10 बीघे का एक खेत है, इस 10 बीघे में आपने सीड्स बो दिए, इन सीड्स में है मतलब सारे तरफ कोई भी एक फसल बोती, सपोज करो ज्वार बोती इसमें, ठीक है, ज्वार जो है ज्वार बोती, बोने के बाद में क्या करोगे, इसमें से देख लिया जाओगे कि यहाँ पर तो पूरी है, यहाँ पर तो अच्छी हो रही और यहाँ पर भी अच्छी हो रही, लेकिन बीच में यहाँ कम हो रही बहुत, ठीक है, बहुत ही कम हो रही यहाँ पे, तो जो यू है यू एरिया और यू एरिया, ये हो गए नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, समझ गए, नेट सोन कुल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, नेट सोन एरिया। और पता लगा भाई इस कोने पर तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ, यहाँ तो खाली पड़ा, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो ये कैसा होगा, फैलोलैंड, फैलोलैंड में आ जाएगा, अनकल्टिवेटेड में क्या हो जाएगा, फैलोलैंड में आ जाएगा, लेकिन आपने कोशिश तो करी बोने की, हो नहीं पड़ा, तो जहां जहां पर फसलें अच्छी होती है, जो पैदावार अच्छी करती है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया, कुल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका निकल के लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में खेती करने के जो पैटर्न है, अब पैटर्न की अगर मैं बात करूं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में, बहुत सारा सिस्टम है देखने का, कैसे कैसे सिस्टम है, देखो जहां जिस हिसाब की मिट्टी होगी उस हिसाब से खेती होती होगी, तो यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में खेती करने का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है, यहाँ पर ध्यान रखना, देखो कुछ भूमि ऐसी है, कुछ जमीन ऐसी है जो मानसून
जो मानसून के ऊपर डिपेंड रहेगी, कुछ ऐसी है जिनका जो डिपेंडेंस है वो कैनाल्स कैनाल्स नहरों के ऊपर डिपेंड है, कुछ ऐसी है पोन्स के ऊपर डिपेंड है, तालाबों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और भाई कुछ रिवर्स और कुछ रेन वाटर। आप देखो जहां जहां बारिश अच्छी होगी वहां पे हम खेती भी अच्छी नहीं होंगे। सपोज करो मानसून के अकॉर्डिंग है तो यहाँ के जो आदमी होंगे वो मानसून पर डिपेंड रहेंगे, मानसून कब आता है, ठीक है, तो जब मानसून आएगा उससे पहले वो जो है एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं, और मानसून आते पर उनकी जो इरिगेशन होती है वो सिंचाई उनकी हो जाती है। दूसरी है कैनाल्स नहरों वाले, जैसे फील्ड एरिया है मैदानी भागों में सबसे ज्यादा नहरें होती है, फील्ड एरिया में उत्तर प्रदेश में और हरियाणा राजस्थान पंजाब इनके अंदर नहरों की संख्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जहां पे नहरें होगी वहां मतलब जो वाटर रिसोर्स है वो कंप्लीट मात्रा में मिलेगा, पानी बराबर मिलेगा उनको, जहां पर बराबर होगी तो वहां पे जो एग्रीकल्चर होगी वो ज्यादा होगी और अच्छी भी होगी, ठीक है। उसके बाद में पोन्स तालाब है, जैसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जो लोग बाग है वो पोन्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पोन्स के ऊपर तालाबों के ऊपर डिपेंड रहती है। तालाब में कहाँ से पानी आएगा, बारिश होगी तो तालाब में पानी इकट्ठा होगा वरना होनेगा नहीं, तो यहाँ पे भी यही स्थिति है एग्रीकल्चर की। और जो रिवर्स है, रिवर्स आपको पता ही है, रिवर्स दो तरह की होती है, एक तो जो होती है नॉर्थ इंडिया रिवर, एक साउथ इंडिया रिवर। नॉर्थ इंडिया वाली जो होते हैं हिमालय माउंटेन रेंज से निकलेगी, और हिमालय माउंटेन रेंज से जो जो नदियां निकलती है उनमें 12 के 12 महीने पानी रहता है, और जब 12 के 12 महीने पानी रहेगा मैनमा से तो इनमें तो पानी रहेगा, इन पर जो डैम बनाए जाते हैं उन डैम से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, और नहरों से क्या होगा, नहरों से जो वाटर है वो बराबर एग्रीकल्चर को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से भी जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो काफी प्रगति कर रहा था। ये रेन वाटर, रेन वाटर का मतलब जैसे राजस्थान को ले लो आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रेन वाटर बारिश के पानी को एकत्रित करके कुओं में भर दिया जाता है, और कुओं में फिर जैसे भर तो देंगे, कुएं बना देंगे, घर घर हमने जो गाँव में कुएं होते हैं तो बारिश का पानी जो होता है इकट्ठा होकर कुएं के अंदर चले जाता है, कुएं के अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है ना उसमें इकट्ठा हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, और वहां से फिर वो वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन वाला ही टॉपिक चला हुआ है इसमें भी। अब उसके बाद देखते हैं हम लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। फिर दूसरा है इसमें अगर हम बात करेंगे तो जहां पे जिस जो जिस प्रकार की मिट्टी है, सपोज करो कहीं ब्लैक सोयल है तो वहां ब्लैक सोयल के हिसाब से एग्रीकल्चर करी जाओगी, कहीं पे एलुवियल सोयल है तो वहां पे एलुवियल सोयल के हिसाब से एग्रीकल्चर करी जाओगी, कहीं पे येलो सोयल है तो वहां येलो पीली मिट्टी के हिसाब से होगी, ठीक है। तो ये जहां जिस मिट्टी जिस फसल को पानी की जरूरत ज्यादा होगी वो उसी मिट्टी के ऊपर डिपेंड रहेगी, ठीक है। सपोज करो हमने जो है वो धान लगा लिया, इस धान को ज्यादा पानी की आवश्यकता चाहिए, वो ज्यादा पानी की आवश्यकता चाहिए तो हम धान कहाँ लगाओगे, मानसून के ऊपर धान लगाओगे, हम नहीं लगा सकते हम, ठीक है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। कैनाल्स वाले एरिया में धान लगा सकते हैं क्योंकि पानी की क्वांटिटी बराबर मिलेगी, पोन्स तालाब है तालाब वाले एरिया में धान लगा सकते हैं क्योंकि पोन्स के अंदर वाटर जो है कंजर्वेशन किया हुआ है हमने, ठीक है, रिजर्व कर रखा। उसके बाद रिवर्स है, रिवर वाले एरिया में हम धान लगा सकते हैं, रेन वाटर वाले एरिया में धान लगा तो कि नहीं लग पानेगा, यहाँ पे वे फसलें होगी जिनको पानी की क्वांटिटी कम से कम चाहिए, जैसे सरसों, ठीक है, सरसों में पानी की जो मतलब सिंचाई करने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, कभी कभी पानी देना पड़ता है इसको, तो इसी हिसाब से फसलें उगाई जाती है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो आता है आपका लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया हो गया, और नेट सून एरिया होगा, कुल बोया गया, क्षेत्र क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल की बात पड़े तो हम बता देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल, सोयल्स के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोयल। देखो सोयल क्या होती है, जो आपकी सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले जो रॉक्स पड़ी थी, ठीक है, पहले यहाँ कुछ नहीं था, ज्वालामुखी थे, बस सुनते रहना मेरी बात, पहले ज्वालामुखी थे, ज्वालामुखी ये सपोज करो ये ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी जब फटा, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फटा तो यहाँ पे एक क्षेत्र हुआ, ये ऐसे कीपनुमा क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र का नाम था क्रेटर, क्या था, क्रेटर, और क्रेटर जो था क्रेटर से अंदर क्या था, मैग्मा भरा हुआ था, मैग्मा जब बाहर निकला ऐसे तो ये मैग्मा फैलता चलेगा ऐसे, और फैलने के बाद में इसी मैग्मे का नाम बना लावा, क्या बना, लावा, LAVA, लावा का फॉर्म नहीं लावा, ठीक है, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में था, बाहर निकलने के बाद ये लावा जम गया तो इसे हम, ठीक है, लावा बोल लेंगे, अंदर मैग्मा बोल लेंगे, बाहर लावा, तो लावा की चट्टाने होगी, बड़ी बड़ी चट्टाने होगी, इन चट्टानों को नाम दिएगा बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान वर्ल्ड में सबसे पहले बनने वाली चट्टान थी बेसाल्ट रॉक्स। अब बेसाल्ट रॉक का इरोजन होगा, बेसाल्ट रॉक का इरोजन होगा, इरोजन का मतलब होता है बेसाल्ट रॉक्स पर ऊपर से बारिश पड़ेगी और बारिश का पानी इसके पत्थर को काट के और कुछ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कण रेत के, तो
तो वे सेडिमेंट्स बहाते चले जाओगे और बहाते जाने के बाद में वे जम जाएंगे सारे, और काफी लंबे टाइम तक जमने के बाद में दूसरी रॉक्स का निर्माण करेंगे, जिस रॉक्स को बोलते हैं हम, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक को बोलते हैं प्राथमिक चट्टान। तो पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली चट्टान बेसाल्ट रॉक्स, और अगर हम बात करें बुक्स के अंदर बनने वाली सबसे पहली, ठीक है, मतलब मॉडर्न में अगर हम बात करें तो सबसे जो प्राथमिक चट्टानें होती है उनको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स प्राइमरी। लेकिन आपको पता होना चाहिए प्राइमरी रॉक्स कहां से बनी, बेसाल्ट रॉक से बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि किन, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोयल, तो सोयल का निर्माण कैसे होगा, जब भी पत्थरों के सेडिमेंट्स कटेंगे, जब भी पहाड़ों के सेडिमेंट्स या पहाड़ों पर बारिश होती है, बारिश के साथ में जो सेडिमेंट्स बाहर आते हैं वो मिट्टियों का निर्माण करती है, सोयल्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोयल कैसे हुआ, जो पहाड़ों पर बारिश हुई, पहाड़ों के बारिश के साथ में धूल मिट्टी और कूड़ा मलबा बहकर आता है नदियों में, तो उससे उसके जम जाने से एक नई मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब आते हैं सोयल्स, सोयल मिट्टी। अब हम बात करें साइंस की, एक ऐसी ब्रांच, साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडो लॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा विज्ञान, मिट्टी का विज्ञान, ठीक है। तो इसके अंदर हम साइंस की ब्रांचेस के अंदर हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं आपकी कितने प्रकार की मिट्टी है सर, तो नंबर फर्स्ट है आपकी एलुवियल सोयल, ALLUVIAL, एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल का हिंदी में जो नाम है वो नाम है इसका दोमट मिट्टी, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी, यही है। एलुवियल सोयल का एरिया सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा, द बिगेस्ट एरिया है, द बिगेस्ट एरिया इन इंडिया, ठीक है, सबसे बड़ा एरिया एलुवियल सोयल का ही है। कहां से कहां तक है, तो ये है आपका सतलुज रिवर से, ऐसे जी, सतलुज रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ब्रह्मपुत्र रिवर तक, सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। क्लियर आ समझ में? अब देखो एलुवियल सोयल में कौन कौन सी फसलें होती है, एलुवियल सोयल में लगभग लगभग सारी फसलें हो जाती है, चाहे कॉफी, ये तो होती नहीं, लेकिन अगर हम बात करें तो गन्ना, जौ, इस तरह का, ठीक है, गन्ना, जौ, बाजरा, तिलहन, ठीक है, ज्यादातर मोस्टली फसल एलुवियल में हो जाती है। एलुवियल में भारतीय मिट्टियों में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग उसमें यूरिया खाद डालते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एलुवियल सोयल दो तरह की होती है, एलुवियल सोयल दो तरह की होती है, नंबर एक होता है आपका खादर, KHA, खादर, और दूसरा होता है बांगर, BNGER, बांगर, खादर जो क्षेत्र होता है खादर, और ये बांगर, खादर होता है न्यू एलुवियल सोयल, कौन सी, न्यू एलुवियल सोयल, और ये होता है बांगर, ओल्ड एलुवियल सोयल, समझ गए। नदियों नदियों में जब बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ में हर साल नया रेत आता है, नए रेत को हम बोलते हैं खादर, ठीक है, और जब वही रेत पुराना हो जाता है, जिसका कलर फेड हो जाता है, उसको बोलते हैं बांगर क्षेत्र। सर सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सा होता है, तो फर्टाइल खादर क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है ना, तो इसमें हम केमिकल्स वगैरह डालते हैं ना, इसमें हम फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, और ना ही इसमें हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बीमारी होती है, हर साल नया रेत आता है तो बीमारी नहीं, इसमें हम फर्टिलाइजर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स इनका यूज करते हैं, इसको जब जाके हम फर्टाइल बनाते हैं। उसके बाद में आता है आपका ब्लैक सोयल। अब ब्लैक सोयल का फॉर्मेशन देखो कैसे होता है, ब्लैक सोयल की अगर हम बात करें, गेहूं भी इसी का ही है, ठीक है, गेहूं, चना, जौ, बाजरा, मक्का, तिलहन और गन्ना, ये सब कुछ एलुवियल सोयल। अब आता है दूसरे नंबर पर, आता है ब्लैक सोयल, ब्लैक सोयल, ब्लैक सोयल को बोलते हैं काली मिट्टी, दूसरा नाम कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी का फॉर्मेशन जो हुआ था, वो फॉर्मेशन हुआ है, या काली मिट्टी का फॉर्मेशन जो हुआ है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ बेसाल्ट रॉक से, बेसाल्ट रॉक्स के इरोजन से, बेसाल्ट रॉक्स के इरोजन से, बेसाल्ट रॉक के इरोजन से ब्लैक सोयल बनी है। और ब्लैक सोयल की अगर हम बात करें, तो ब्लैक सोयल में सबसे अच्छी जो खेती होती है वो होती है कॉटन की,
कॉटन कपास बोलते हैं इसको, ठीक है। और ब्लैक सोयल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा ब्लैक सोयल कहाँ पे इंडिया में, तो सबसे ज्यादा ब्लैक सोयल का एरिया जो है वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। सर सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन कौन करता है? कॉटन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है गुजरात, ठीक है। ये है ब्लैक सोयल की। अब आते हैं उसके बाद में आता है आपकी रेड एंड येलो सोयल। रेड देखो, रेड सोयल का नाम लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है सबसे मेन चीज तो यही है। तो लाल मिट्टी का जो रंग लाल होगा वो आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होगा। लाल मिट्टी का लाल रंग कैसे होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो यहाँ पे रेड सोयल का लाल रंग कैसे होगा? आयरन ऑक्साइड Fe2SO4, ठीक है, Fe2SO4 की वजह से होता है। और अगर हम बात करें लाल मिट्टी का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर लाल मिट्टी का एरिया कहां पे है, तो लाल मिट्टी का एरिया उड़ीसा ऐसे भी बनता है और ऐसे ही बनता है, अलग अलग देखा है मैंने अलग अलग बुक्स के अंदर। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की उड़ीसा, ये कर्नाटक में भी है, ठीक है, तमिलनाडु में भी है, सारी जगह पे है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अगर हम बात करेंगे कहां पे इस